रियल स्टेट एजेंट्स, रियल स्टेट चैनल पार्टनर्स एंड रियल स्टेट ब्रोकर्स अपना कमीशन कैसे सेव करें, कैसे अपनी मेहनत की कमाई आपको मिले इस बात की आप गारंटी कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो क्यों लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इंडिया का लीडिंग रियल स्टेट चैनल बनाया, 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आज हमारे हो चुके हैं और आप जो रेगुलर प्यार दे रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत दिनों से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, सर कमीशन कैसे सेव करें, कमीशन कैसे बचाए रीसेल की डील में, नई डील में, तो बताइए। तो प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल, लीगल, कुछ ऐसे तरीके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे, एटलीस्ट 80-90% तो आप अपने कमीशन को सेव कर ही सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेनर, आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इस इंडस्ट्री में लोगों को उनकी मेहनत की कमाई सही समय पर मिले। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है अगर आपको अपना कमीशन सेव करना है तो दोस्तों, वो है वर्क विद रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, ओनली विद रेरा नंबर। ध्यान से समझना, पूरा प्रोसेस समझाता हूं। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि जो प्रोजेक्ट, ये लीगली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे आप ज्यादा काम कीजिए, उससे आप सेफ हो जाते हैं और डबल सेफ हो जाते हैं अगर आपके पास खुद भी रेरा नंबर है तो, और उस बिल्डर के पास आपका रेरा नंबर रजिस्टर्ड है। सो आप लीगली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो अपना कमीशन डिमांड करने के लिए। तो रेरा आया है आप सबके बेनिफिट के लिए, रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट के बेनिफिट बिल्डर्स को भी है, डेवलपर्स को भी है, एजेंट्स को भी है और क्लाइंट्स को भी है। इसके ऊपर भी बहुत डिटेल पूरी सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो बिल्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है समय पे कमीशन देने की, क्योंकि उसे रिकॉर्ड सबमिट करना होता है। आप खुद अगर रेरा रजिस्टर्ड व्यक्ति है, एजेंट है, तो आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपको अपना कमीशन समय पे मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे ही कोई कच्चे लैंड पे काम कर रहे हो या डेवलपर के पास काम कर रहे हो, सैंक्शन भी नहीं है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं समय पे कमीशन न मिलने के या धोखा होने के। अगर आप धोखे से बचना चाहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई समय पे चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट पे ही काम करें। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर मैं तो ब्रोकर हूं, रीसेल पे ही काम करता हूं, तो उस केस में क्या, मैं सब बताने वाला हूं। सेकंड पॉइंट उसी के ऊपर है। सेकंड, वर्क विद जेन्युइन पीपल एंड साइन कंसेंट फॉर्म। अब जेन्युइन लोग क्या होते हैं दोस्तों, चाहे बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे रीसेल की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, थोड़ा कोशिश कीजिए उस व्यक्ति के बारे में जानने की जिसका प्रॉपर्टी बेच रहे हो। एक बहुत बड़े सीईओ का मैं इंटरव्यू ले रहा था हमारी बुक रियल स्टेट गेम चेंजर्स के लिए, और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक बात कही, मैंने कहा सर 30 साल से काम कर रहे हो, इतना कंस्ट्रक्शन करते हो, क्या आपके साथ धोखा नहीं होता, क्या आप गलत प्रॉपर्टी नहीं खरीदते? उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया और वो मेरे दिल को छू गया। मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि सही व्यक्ति की गलत प्रॉपर्टी पे काम मत करो। आदमी बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर नहीं है, काम मत कीजिए, पैसा फंस सकता है, डील अटक सकती है, धोखा हो सकता है। सेकंड, उन्होंने आंसर दिया कि गलत व्यक्ति की सही प्रॉपर्टी पे भी काम मत कीजिए, प्रॉपर्टी पूरी टाइटल क्लियर है पर व्यक्ति का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सही नहीं है, तो भी बच के रहिए, आप फंस सकते हैं। और तीसरा, गलत व्यक्ति की गलत प्रॉपर्टी पे तो कभी काम मत कीजिए। तो फिर काम कैसे करें, अगर आपको सफल एजेंट बनना है तो सही व्यक्ति और सही प्रोडक्ट पे काम कीजिए, रीसेल का भी क्यों ना हो, पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उन्होंने इससे पहले कमीशन दिया है, नहीं दिया है, ब्रोकरेज में रीसेल की भी डील है, पहले समझ लो। और सेव करने के लिए हो सके दोस्तों तो एक छोटा सा कंसेंट फॉर्म बना लो। मैं कोई बहुत बड़े एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटा सा फॉर्म, तो छोटे से फॉर्म में लिखा हो कि मैं XYZ, ये मेरा नाम है, मैं इतने साल से रियल स्टेट का वर्क कर रहा हूँ, एज अ ब्रोकर मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूँ उसके बदले में मैं आपको 1%, 2%, जो भी हो, आगे डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कि किस डील में कितना कमीशन मिलना चाहिए या मिलता है भारत में। अगर आप इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो जरूर कमेंट करके बताओ कि किस डील में कैसा कमीशन मिलता है, कितना इंसेंटिव मिलता है, कितना बोनस मिलता है, सब कुछ हम वो वीडियो भी लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा सा कॉन्टेंट फॉर्म बनाइए और नीचे साइन ले लीजिए उस व्यक्ति की जिसके लिए आप डील कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो सके तो। और अगर 1 रुपए के रेवेन्यू टिकट पे आप साइन ले लेते हो तो वो छोटा सा ब्लैंक पेपर भी एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह हो जाता है। हमारा इंटेंशन है आपको सच बताना, आपके पैसे को सेव करना और आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट मिले, ये सब चीजें। किसी भी तरह से आपको लगता है वीडियो बहुत प्रैक्टिकली हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले। बहुत सारे लोग कॉन्टेंट देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें और मोटिवेशन और एनर्जी और इंस्पिरेशन मिलता है अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप वन इंपॉर्टेंट टास्क पेंडिंग। ये साइकोलॉजिकल रीजन है, ये लीगल नहीं है। किसी भी डील में अगर आपको लगता है कि आपके पास पकड़ अच्छी है, या तो बायर या सेलर बहुत डिपेंडेंट है आपकी सर्विस पे, एज एन एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर भी आप इन्वॉल्व है, तो पूरा काम मत कर दीजिए जब तक आपको कमीशन ना मिले।
आपके कमीशन मिलने तक कोई ना कोई पार्ट को अपने पास होल्ड करके रखिए, कोई डॉक्यूमेंट को, कोई काम को म्यूटेशन मत करवाइए, कुछ तो ऐसा रोक दीजिए कि जब आपको कमीशन मिलेगा तभी आप जाकर वो सर्विस देंगे या हेल्प करेंगे, तभी एज अ ब्रोकर चैनल पार्टनर एजेंट आप अपने कमीशन को सेव कर सकते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड वे से काम हो, एथिकल वे से काम हो, बायर की भी अवेयरनेस बढ़े, सेलर की भी अवेयरनेस बढ़े, यही मिशन है। इसलिए ये सब इतना प्रैक्टिकल कंटेंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे देते हैं। चौथा, कीप प्रूफ ऑफ मीटिंग एंड चैट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आज व्हाट्सएप का जमाना है, ईमेल का जमाना है, मैसेजेस का जमाना है। अगर आप किसी के लिए कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे रीसेल प्रॉपर्टी हो, अपने मैसेजेस में प्रूफ रखिए कि आपने क्या बात की थी। सर अगर ये 25 लाख की प्रॉपर्टी मैं बेचता हूँ तो 2% का डिसाइड हुआ था, तो एटलीस्ट कंसर्न फॉर्म नहीं है तो मैसेजेस में प्रूफ रखिए, ईमेल पे प्रूफ रखिए, कोई ना कोई प्रूफ आपके पास जरूर रखिए। ये प्रूफ आगे काम आता है अगर कोई धोखा आपके साथ होता है तो। भगवान करे ये ना हो, भगवान करे कभी आपके साथ ऐसा ना हो, पर ऐसा केस आ गया तो उसके लिए सेफ चलना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जीविका, आपका परिवार डिपेंड करता है आपके कमीशन पे। उसके लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आज के जमाने में भी आप पुराने तरीके से 80-90 के तरीके से काम करते रहेंगे तो आपका कमीशन का लॉस हो सकता है। मैं बिल्कुल समझता हूँ, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे काम करो, रेरा रजिस्टर्ड एजेंट रहो, लेकिन सब सिटी में ऐसा नहीं होता। आज भी ऐसी बहुत सारी सिटीज है, बहुत सारे स्टेट में, जहां अभी भी रेरा को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता। उस जगह पे भी सेफ रहना है तो प्रूफ्स रखिए, जो भी बात कर रहे हो क्लियर करिए सर्विस देने से पहले, या किसी लैंड ओनर से, लैंड बायर को मिलाने से पहले चीजों को क्लियर कर लीजिए। नहीं कुछ तो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जिस भी तरह से हो, मैसेज में एक प्रूफ ले लीजिए कि सर ये डील होने पर 2% के हिसाब से 50,000 मुझे कमीशन आपसे लेना है, इज इट ओके? उन्होंने कहा ओके, तो वो भी एक प्रूफ है। सच काम करना और सच तरीके से काम करने में कोई बुराई नहीं। पांचवा, हो सके तो डू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब, अगर कोई बड़ी डील है, आप कोई 2 करोड़ की डील कर रहे हो, 5 करोड़ की डील कर रहे हो, या मान लो 1.5 करोड़ की डील कर रहे हो, जो भी आपकी सिटी में, स्टेट में लीगल कमीशन है, उसका एक एग्रीमेंट बना लीजिए। और एग्रीमेंट में ये भी मेंशन कीजिए कि उसके बदले में आप क्या सर्विस देने वाले हो। कोई फ्री में आपको कमीशन नहीं देगा, मैं दोनों तरफ से बात करूंगा, मैं उनकी तरफ से भी बात करूंगा जो आपको कमीशन दे रहे हैं। अगर वो आपको कमीशन दे रहे हैं, वो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, तो उसके बदले में वो आपसे कुछ सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं। उन चीज़ों को उस एग्रीमेंट में मेंशन कर लीजिए कि आपका पार्ट और रोल ये होगा, उनका पार्ट और रोल ये होगा, और एक ऐसा एग्रीमेंट या MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर आप बना पाते और साइन कर लेते तो उसको 100 रुपए का एग्रीमेंट पेपर ही खर्चा होगा, 200 रुपए का एग्रीमेंट या 500 रुपए का एग्रीमेंट पेपर खर्चा होगा, 500 रुपए एडवोकेट लेगा, लेकिन आपका 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख का कमीशन सेफ हो सकता है। तो लीगल काम करने की कोशिश कीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आपको अपने रियल एस्टेट के करियर में। छठवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटेन गुड रिलेशन विद क्लाइंट। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। अगर आप अच्छी सर्विस देते, आप एक टैलेंटेड एजेंट है, ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, आपको सच में अच्छा नॉलेज है, आप सही गाइडेंस देते, आप लोगों को सच में मदद करते हैं, और दूसरा कभी रीसेल में भी आप मदद करते हैं, तो लोग आपको नहीं छोड़ते। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप टैलेंटेड है, आप कैपेबल है, लोगों को सही प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, उनको सही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिला सकते हैं, बार बार उनके पैसे को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो एक बात याद रखिए, लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे 1-2% का कमीशन का लॉस करके, क्योंकि उनको पता है आपकी वैल्यू है, आप जुड़े रहेंगे तो और अच्छी डील दिलवाएंगे। अगर आपने बिल्डर को कोई अच्छी जगह दिलाई और वो 1% के लिए अगर पलट जाए, धोखा कर दे, तो उसे पता है दोस्तों उसका लॉस हो सकता है भविष्य। तो आप टैलेंटेड बनिए, आप स्किलफुल बनिए, अपने आप को एक ट्रेंड एजेंट बनाइए। हम रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन प्रोग्राम लेते हैं जिसमें ऐसी बहुत सारी स्किल सिखाते हैं जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसके बारे में पता करना हो तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में रियल एस्टेट गेम चेंजर का फॉर्म होगा, उसे फिल कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे गेम चेंजर एजेंट बनिए जिससे लोग रिलेशन बनाना पसंद करें, जिससे लोग रिलेशन तोड़ने से डरे, जिसके पास ऐसी स्किल हो कि लोग आपका कमीशन कभी भी ना नुकसान दिला पाए और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करें, क्योंकि सही रिलेशन मेंटेन करोगे, क्योंकि एट द एंड डील में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रिलेशंस। अगर कभी कभी लीगल पेपर रहने के बाद भी किसी बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति से आप लड़ नहीं सकते, लेकिन रिलेशन अच्छे, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो वो व्यक्ति भी सोचता है कि आगे बहुत काम आएगा, इसका कमीशन का नुकसान करना बेकार है। दोस्तों आप अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ये पूरे 6 पॉइंट आपने समझ लिए, लेकिन आपके साथ इससे पहले पास्ट में कोई भी तरीके से लॉस हुआ था और आपको लगता है कि वो लॉस क्या था, तो जरूर कमेंट में बताइए, या कुछ अच्छा हुआ था तो भी बताइए, या ये पॉइंट उस समय आपको पता होते तो आप क्या कर सकते हैं तो भी बताइए। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना अगले प्रैक्टिकल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो मैंने लीगल पॉइंट भी बताए, मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट भी बताए, मैंने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी बताए दोस्तों, और कुछ ऐसे पॉइंट भी बताए जब आप अपने रिलेशन के बेसिस पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे अपने कमीशन को सेव कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, 100% आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी मेहनत की कमाई नहीं डूबेगी,
और दोस्तों इतना प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट अगर आपको लगता है कि भारत देश के हर व्यक्ति के काम आ सकता है जो रियल एस्टेट से जुड़ा है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से न जाने किस व्यक्ति की मेहनत की कमाई बच सकती है। ऐसा आप कंटेंट लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।